नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे हो ना? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ये, वाओ, ये कौन सा व्यंजन है? ये तो है, कौन है ये? ये तो है व्यंजन झा। कौन है ये? झा। और झा किसकी लाइन में आता है? झा तो आता है चा चम्मच की लाइन में। पहले आता है चा से चम्मच, फिर आता है छा से छतरी, फिर आता है जा से जग, और फिर आता है झा से झंडा। तो ये कौन है? ये तो है झा से झंडा। ये है झा झंडे का, झा से झंडा, झा से और क्या क्या होता है? वाओ, ये देखो ये क्या है? ये तो है झा से झरना, झा से झरना। एंड झरना जब बहुत ऊपर से पानी नीचे गिरता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं झा से झरना, झरना कहते हैं, और इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं, है ना? तो ये तो है झा से झरना, झा से और क्या होता है? ये देखो ये तो है झा से झाड़ू, झा से झाड़ू। झाड़ू से हम क्या करते हैं? झाड़ू से तो हम फर्श को क्लीन करते हैं, है ना? ये तो है झा से झाड़ू। तो झा से झरना हो गया, झा से झाड़ू, झा से और क्या होता है? ये है झा से झबला। क्या है ये? ये तो है झा से झबला। झबला तो गर्मियों में छोटे बच्चे पहनते हैं ना, तो ये है झा से झबला। और ये तो है झा से झोपड़ी, झा से झोपड़ी। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में तो एच फॉर हट कहते हैं, और हिंदी में तो झा से झोपड़ी कहते हैं। तो देखो झा से कितनी सारी चीज़ें होती हैं, झा से झोपड़ी भी होता है, झा से झरना, झा से झाड़ू, और झा से वाओ, ये क्या है? ये तो है झा से झंडा, झा से झंडा। एंड ये इंडिया का फ्लैग है ना, तो ये देखो इसमें थ्री कलर्स होते हैं, ऊपर सेफ्रॉन, सेंटर में वाइट कलर, एंड सबसे नीचे होता है ग्रीन कलर, एंड बीच में ये होता है अशोक चक्र। तो ये तो है झा से झंडा, झा से झरना, झा से झाड़ू, झा से झबला, झा से झंडा। और ये तो है झा से झूला, ये देखो गर्ल तो झूला झूल रही है ना, तो झा से झूला भी होता है, झा से झूला। एंड ये देखो, वाओ, ये क्या है? ये तो है झा से झुमका, झा से झुमका। झुमके तो कान में पहनते हैं ना, मम्मा लोग पहनती हैं, तो ये तो है झा से झुमका, झा से झूला, झा से झाड़ू, झा से झुमका। एंड अभी हम झा झंडे को लिखना सीखेंगे। तो झा कैसे बनता है ये देखो, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, फिर वन कर्व, सेकंड कर्व, और ये लूप बना दिया। ये कौन बन गया? ये तो बन गया अभी छोटी सी इमली बनी ना, अभी इमली में देखो सेकंड कर्व में स्मॉल स्लीपिंग लाइन लगाई, फिर ये स्टैंडिंग लाइन, और ये फिर से स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया झा से झंडा। ये तो बहुत इजी है ना। पहले आपको छोटी सी इमली बनानी है, फिर इसमें स्लीपिंग लाइन लगाई, और फिर स्टैंडिंग लाइन, और ये बन गया झा से झंडा। अभी झा से झाड़ू बनाए, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, फिर वन राइट ओपन कर्व, सेकंड लेफ्ट ओपन कर्व, ये लूप बनाया, फिर सेकंड कर्व में ये बना दी स्मॉल स्लीपिंग लाइन, और फिर ये स्मॉल स्टैंडिंग लाइन। तो ये बन गया झा से झाड़ू। तो पहले क्या करना है? पहले क्या बनाना है? पहले बनाना है स्लीपिंग लाइन, फिर स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, फिर राइट ओपन कर्व, सेकंड राइट ओपन कर्व, ये बन गई छोटी सी इमली, फिर स्लीपिंग लाइन, और ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, वन कर्व, सेकंड कर्व, लूप बनाया, और ये स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। वाओ, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर्व, सेकंड कर्व, और ये लूप बनाया, और ये स्मॉल स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया झा से झरना। स्मॉल स्लीपिंग लाइन, फिर स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, राइट ओपन कर्व,
लेफ्ट ओपन कर्व, ये तो बन गई छोटी सी इमली। अभी हम सेकंड कर्व में स्मॉल स्लीपिंग लाइन लगाएंगे, और ये स्टैंडिंग लाइन, ये कौन बन गया, ये तो बन गया झांसे झंडा, झांसे झाड़ू, झांसे झरना, झांसे झबला और झांसे झुमका। तो ये कौन सा व्यंजन है, ये तो है व्यंजन झा। तो इसी तरह से आपको भी पहचान करनी है। बाय, हैव अ गुड डे।